नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। रेलगाड़ियों और भारतीय रेलवे स्टेशन और अन्य बहुमूल्य संपत्तियों के निजीकरण करने के विरोध में गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की है कि इस तरह की कार्यप्रणाली से देश के आम नागरिक को आर्थिक नुकसान होगा। रेलवे का निजीकरण के विरोध के चलते आम आदमी पार्टी द्वारा भारत सरकार के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि यह प्रदर्शन समस्त नियमों के पालन के साथ रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। उनकी मांग है कि देश को लाइफलाइन रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, उससे तत्काल बंद करे। उनका कहना है कि रेलवे रेलवे न होकर भारत के करोड़ों गरीबों की जीवन रेखा है, उनका परिवार इसी पर आश्रित रहता है। आपको बता दें कि ट्रेन में जो IRCTC को चलाया गया था उसका यात्री किराया हवाई जहाज के यात्री किराए के सामान लिया जा रहा था। अगर यह स्थिति रही तो निजी हाथों में जाने से आम आदमी का जीवन दुश्वार हो जाएगा। इसके पहले भी विश्व के कई बड़े देशों ने रेलवे को निजीकरण करने के काम किए जा चुके हैं, लेकिन आज वह देश अपनी गलती को मान रहा है और रेलवे को पुनः राष्ट्रीयकरण करने पर फोकस शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस के आड़ में भारत सरकार पुलिस की 50 सेवा का और रेलवे के निजीकरण का घिनौना काम कर रही है, उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा जनता के दिमाग में यह बात डालना चाहते हैं कि यदि अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी आज एक रेलवे का जो निजीकरण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका एक मौन विरोध प्रदर्शन समस्त नियमों का पालन करते हुए करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। हमारी यह मांग है कि भारत सरकार जो इस देश की जो लाइफलाइन है भारतीय रेल, उसको निजी हाथों में सौंपने की जो कवायद कर रही है उसको तत्काल बंद करे। कारण यह है कि ये जो रेलवे है ये सिर्फ रेलवे ना होकर भारत के करोड़ों गरीबों की जीवन रेखा है। भारत के करोड़ों गरीब इसमें तृतीय द्वितीय श्रेणी और जनरल बोगियों में सफ़र करते हैं। उनका जो माल ढुलाई होती है, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमारी रोजनामचे की चीज़ें हैं, वो सब इस रेलवे के थ्रू चलती हैं। और रेलवे ने हमने देखा है कि जो भी ट्रेनें जैसे IRCTC ने जो ट्रेन चलाई थी उसमें जो किराया है यात्री किराया वो हवाई जहाज़ के किराए से भी ज़्यादा है। तो यदि ऐसी स्थिति भारतीय रेलवे में हो जाएगी तो एक आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। विश्व के जो बड़े देश हैं जैसे जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, यहाँ पर सब जगह जहाँ पर भी रेलवे का निजीकरण किया गया था वो सब देश अब अपनी गलती को समझ रहे हैं और रेलवे के पुनः राष्ट्रीयकरण के ऊपर वो लोग अब फोकस करना शुरू कर चुके हैं। तो जब दुनिया के बड़े देश अपनी गलतियों से सीख रहे हैं तो हमारा देश वो गलती करने की तरफ क्यों अग्रसर हुए जा रहा है। एक और बात कि जब ये नियामक आयोग भी आज तक नहीं बना है तो यदि निजी ऑपरेटर, जिसको मान लीजिए रेलवे स्टेशन आपने दे दिया या ट्रेन दे दी, उसमें और भारतीय सरकार के बीच में यदि कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो विवाद कौन सुलझाएगा? तो उसके लिए कोई नियामक आयोग भी नहीं है। कोरोना महामारी की आड़ लेकर भारत सरकार जो पुलिस की 50 सेवाओं का, रेलवे के निजीकरण का जो घिनौना खेल खेल रही है उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी यह एक पूरा नियम सम्मत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 10 लोगों से कम का प्रदर्शन हम लोग ये कर रहे हैं और जनता के दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि यदि अभी हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।